नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। बहुत से अभ्यर्थी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि RPF SI के प्रीवियस ईयर प्रश्न मुझे करने, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ गई और एग्जाम में अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। तो लगातार मैं अब आपको प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो RPF SI के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की लेकर के आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और 23 सेट में आपकी पिछली परीक्षा हुई थी तो 23 के 23 सेट में आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ, तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़ रही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सामने की गैली तो कितना होता है, तो गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 31 होता है। पहले का ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री सी रंगराजन, यानी दो का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो कितने दिया था ये अनिश्चितता का सिद्धांत, 3 का आंसर आपको बताना है। तो ये दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने, 3 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है विश्व विरासत स्थल, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 4 मीनार नहीं है, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं, रानी की बावली और हुमायूं का मकबरा, ये सब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में आते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है, तो क्या है, तो एडम गिलक्रिस्ट इनका जो उपनाम है वो चर्ची है, 5 का तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर है, हो जाएगा। छठवा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो बताओ 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। छठवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं से है 8वीं अनुसूची का संबंध, छठवा का दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है, बताओ क्या बन सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता है, किसी एक का बन सकता है, 7 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो कौन होता है, तो भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, 8 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ, तो कौन से राज्य में ये नील विद्रोह हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, 9 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है, तो ये है 227.9 मिलियन किलोमीटर, 10 का तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर है, हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न आ जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है, यानी राष्ट्रपति अपने पद से अगर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, 11 का आंसर आपको बताना, तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को, 11 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। बारहवां प्रश्न है आपके सामने कि इथोपिया की राजधानी है, तो बताओ कौन सी है, तो इथोपिया की जो राजधानी है वो अदीस अबाबा है, 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न कि टेम्स नदी किस देश में बहती है, तो कौन से देश में बहती है, तो टेम्स नदी ये जो बहती है वो इंग्लैंड में बहती है, 13 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चौदहवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है, तो बताओ इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध है वो टेबल टेनिस से नहीं है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैगनस कार्लसन इनका संबंध है वो टेबल टेनिस से नहीं है, 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। पंद्रहवां प्रश्न है आपके सामने की पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है, तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो सौरभ गांगुली हैं, 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 के फर्स्ट पीयूष ग्रंथि है, तो बताओ क्या बताना है, तो ये राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने की खेल में होता है, तो कौन से खेल में करते हैं, तो बैट किया वॉलीबॉल में किया का राइट आंसर है हो जाएगा। उनके पत्तियों के एपिडर्मिस में रचना है जो बास्या को नियंत्रित किया है, तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर है चलेगा। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में जनजाति के लोग कहाँ करते थे, तो करते थे खोट है, तो अजमेर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर आपके सामान्य तौर वर्षों का होता है है, तो बताया जा सकता है ऑप्शन आपके किया जा सकता है ऑप्शन संख्या। चलिए अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की, निम्न में से अब एक पूर्ण राज का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो बताओ इनमें से किसे एक पूर्ण राज का दर्जा प्राप्त हो चुका है, 21 का आंसर आपको बताना है, तो ये सिक्किम को हो चुका है, 21 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने की, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो बताओ कौन है, तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो रॉबर्ट कोच हैं, 22 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने की, ऑक्जलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो बताओ क्या हो जाएगा ऑक्जलिक अम्ल का, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथनोडिक अम्ल, यानी 23 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ था 1929 में, 24 का आंसर आपको बताना है, तो ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, 24 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने की, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बताओ बोधिसत्व का संबंध है वो कौन से धर्म से है, तो इसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, 25 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने की, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है, तो बताइए कौन से महासागर में स्थित है टोंगा की खाई, तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में, 26 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने की, एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक है या कितना है, तो बताओ कितना होता है एसिटिक अम्ल का, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसका नियतांक होता है 1.74×10⁻¹⁵, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने की, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताओ काकरापारा वो कहाँ पर है, तो ये स्थित है गुजरात राज्य में, 28 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, तो बताओ इनमें से संवेग ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, तो ये होता है द्रव्यमान गुणित के वेग, 29 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इनमें से एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो वो कौन सा देश है, तो वो है मालदीव, 30 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि RTGS का पूर्ण रूप है, तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो RTGS का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 31 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं लोकसभा के, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है उत्तर प्रदेश, 32 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 है, थोड़ा चलिएगा 33वां प्रश्न है आपके सामने की, पुस्तक द ऑर्गेनोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज
किसने लिखी है। तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है, 33 का आंसर आपको बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती, 33 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया, यानी कौन से शासकों ने ये खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर को बनवाया था। 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये चंदेल राजाओं द्वारा या चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। 34 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को अपने लोगों दो के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। 35 का ऑप्शन क्या है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि असम की राजधानी है तो कहाँ पर है, तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। 36 का ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो कौन से शहर में हुआ था, तो ये ब्यूनस आयर्स में हुआ था। 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये जो लागू हुआ था वो 1972 में लागू हुआ था। 38 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो कुवैती दीनार ये बिल्कुल एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। ऑप्शन संख्या एक करेक्ट आंसर है हो जाएगा 39 का। 40वां प्रश्न है आपके सामने कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो कब हुई थी ये बताना है आपको। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थापना हुई थी 1847 AD में, यानी 40 का ऑप्शन क्या 2 करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, तो कौन सा सदन है, देख लीजिएगा चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सबसे अधिक जो शक्तिशाली है वो है आपका लोकसभा। 41 का ऑप्शन क्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये मुंबई में है, 42 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। 43 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती हैं, तो बताओ क्या कहलाती हैं, तो नदियों के द्वारा जो द्रोणियों का निर्माण होता है ये बेसिन कहलाती हैं। 44 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये समुद्र तट कहलाती है। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, बताओ ड्यूस का प्रयोग किस खेल में होता है। 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रयोग होते हैं टेनिस में, ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया, बताओ योग सूत्र को किसने लिखा है, 48 का आंसर आपको बताना है। तो ये पतंजलि ने लिखा है, 48 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो बताओ कौन सी है कोलंबिया की मुद्रा, तो ये कोलंबियन पैसो है। 49 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न की एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर माइनस 18 का उपसर्ग है, तो बताओ ये इसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना, तो इसे अट्टो के नाम से जाना जाता है। 50 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये RPF SI का सेट नंबर 1 पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।